The live visuals of Vande Bharat Express. Prime Minister will be flagging off Vande Bharat Express in just a few minutes from now. He will also be launching Bharat Gaurav Kashi Darshan train as well at KSR railway station in Bengaluru. These are the live visuals. He was seen seated inside Vande Bharat Express just a few moments ago. Of course, now this is the first Vande Bharat Express in the south of India. You can see Prime Minister Narendra Modi launching, flagging off Vande Bharat Express as we speak. तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती है और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर आप देख सकते हैं। वंदे भारत चल पड़ी है, देश की पांचवी दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल था, ट्रायल रन चेन्नई के एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था। दक्षिण भारत के दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई है हरी झंडी। यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भारत का कद, जब हम कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं, मॉडर्न ट्रेन्स की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ता हुआ। और ये जो तमाम वंदे भारत ट्रेन्स हैं जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए, तो खास तौर पर यात्रा को आरामदायक और गतिशील बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आईआरसीटीसी की तरफ से, सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसे मजबूती दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बेहतरीन उदाहरण इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य तक पहुंचने की बात करते हैं, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होता है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस तरह की ट्रेन जो है, जिसे सौंपा गया है बेंगलुरु की जनता को, वो सबसे अहम। वंदे भारत ट्रेन देश की जो पहली थी वो 15 फरवरी को चलाई गई थी दिल्ली कानपुर वाराणसी के रूट पर, और ये पांचवी है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई है। और मेक इन इंडिया कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन जो था, मैंने आपको बताया कि चेन्नई के एमजी रामचंद्रन स्टेशन रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। इसका जो ट्रायल रन का वीडियो है उसे भी ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। तो ये ट्रेन जो है किस तरह से यात्रा के अनुभव को काफी बेहतरीन बनाती है वो हमने बाकी जो ट्रेन चली उनमें देखा, और अब क्योंकि ये पांचवी है तो हम मान सकते हैं कि लगातार आत्मनिर्भरता के साथ मेक इन इंडिया के इस मिशन को और ज्यादा मजबूत करती हुई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि अगले साल तक सरकार की ये योजना है कि 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है यानी कि वंदे भारत उससे जोड़ना है। तो उस लिहाज, उस क्रम में, उस चरणबद्ध तरीके से अपने कार्य को सरकार करती हुई प्रतिबद्धता के साथ। और वंदे भारत के बारे में जिस तरह से देख पा रहे तस्वीरें आप, अश्विनी वैष्णव बताते हुए, हमने कई बार देखा कि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस तरह ट्रेन में सफर करके जो तमाम वहां उसको बनाने वाले लोग हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं, जो उसमें यात्रा करते हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं।